गुड इवनिंग हेलो एवरीवन हेलो बच्चों ये रुचि राखी साक्षी यशिका अनुज मैथमेटिक्स प्रेमलता शिवानी भावना वेरी गुड इवनिंग बच्चों तो कैसे हैं सब बच्चे होप बढ़िया से आपकी तैयारी चल रही है और जबरदस्त वर्क आप लगातार कर रहे हैं तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अपने वर्क की तरफ प्रोसीड करते हैं क्या आवाज़ ऑडिबल है सब बच्चों को आई ऑडिबल ऑन नॉट बच्चो मुझे बताइए आप लोग अच्छा ऑडिबल है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और बच्चों लेते हैं सबसे पहला अपना क्वेश्चन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल सबसे पहले बच्चों आज हमने फिर से क्या लिया आपके लिए कॉम्प्रीहेंशन इस कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चन नंबर वन टू सिक्स यूल आंसर बेसिकली क्या दिया हुआ है कि रीड द फॉलोविंग पैसेज क्या हमें दिया गया है रीड द एक्सटेक्ट गिवेन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन लेकिन हम बच्चों इसको फॉलोअप नहीं करते और अपनी तरफ से इनोवेशन लगाते हैं कि हम क्वेश्चन से पैसेज पे जाएंगे गेटिंग एवरी वन मैं आपको बता दू फिर से ये एक पोएम है और इस पोएम पे बेस्ड आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं जी आई एम फाइन थैंक यू तो बच्चों देखो क्वेश्चन क्या यहां पर कहता है क्वेश्चन नंबर वन हमारा क्वेश्चन नंबर वन से द एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन है बच्चों द वैली ऑफ डेथ ये किसको रेफर करती है द प्लेस वेयर द डेड सोल्जर्स आर लाइंग बरीड या इम्पेंडिंग डेंजर ऑन द सोल्जर्स हाउस ऑफ डेथ या बच्चो नाइट मैरिश प्लेस तो जरा हम पैसेज पे जाते हैं और यहां पे देखते हैं सब लोग आंसर देखेंगे और यहां पे देखो लिखा लाइट ब्रिगेड बाय एल्फ्रेड टेनिशन है ना क्या बोलते हैं वो हाफ अग हाफ अग हाफ अग ऑनवर्ड ऑनवर्ड का मतलब चल रही है हाफ लीग ओल इन द वैली ऑफ डेथ रोड द सिक्स हंड्रेड समझ में आ रही है बात सारे के सारे कहा वैली ऑफ डेथ में फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड चार्ज फोर गन्स ही सेड इन टू द वैली ऑफ डेथ रोड द सिक्स हंड्रेड फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड वॉज देयर अन डिसमेड नोट दउ दोल्जर न्यू समर्ड देर्स नॉट टू मेक ए रिप्लाई देयर्स नॉट टू रीजन वाई देयर्स बट टू डू डाई डू एंड डाई ध्यान से देखेंगे कि यहां पे क्या बनेगा वन का ए प्लेस वेयर द दे डेड सोल्जर्स आर लाइंग बरीड बच्चों लाइंग बरीड नहीं क्योंकि अभी तो वो मूव कर रहे हैं वो उनको कह रहा है कि गो अहेड गो अहेड तो बेसिकली ये क्या बताता है नंबर टू इंपेंडिंग डेंजर मतलब उनपे आने वाले डेंजर को शो कर रहा है किसी ने ब्लेंडर कर दिया है इस वजह से उनके ऊपर डेंजर आने वाला है तो इम्पेंडिंग डेथ ऑफ सोल्जर्स गेटिंग तो बच्चों हमारा वन का बी बनेगा बिल्कुल सही आंसर है मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया है हाँ जी अब चल रही है अब कोई प्रॉब्लम नहीं है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू वो कहता है सही नहीं है द मिलिट्री डिसिप्लिन टीचे द सोल्जर्स जो मिलिट्री डिसिप्लिन होता है बच्चों वो टीच सोल्जर्स uh, को क्या सिखाता है क्या बताता है टू डू एंड डाई बिल्कुल बताता है टू ओबे द कमांडर सोल्डर बिल्कुल टू एक्ट टेक्टफुली इन द बैटल फील्ड नहीं और नॉट टू आस्क एनी क्वेश्चन बिल्कुल तो बच्चों अगर इसमें देखोगे तो आंसर आपका थ्री बनेगा एक्चुअली अगर आप पैसेज पे जाते हैं अगर आप इस पोएम को देखें तो देखो यहां पे क्या लिखा है पोएम में पूरी की पूरी आपको मिल जाएगा हाँ, कहीं भी आ सकती है रवि ऐसा जरूरी नहीं है देखो बच्चों ध्यान से यहां पे दिखा है, ये दिया दिखाया उन्होंने सोल्जर्स वन हैड टू डिस मेड रिप्लाई देयर्स नोट टू रीजन वाई है ना क्वेश्चन ही पूछना है देयर्स बट टू डू एंड डाई इन टू द वैल्यू ऑफ डेक्स सिक्स हंड्रेड कहने का मीन्स क्या बना आपका कि जो टेक्टफुली है ये वहां पे नहीं दिया गया कि उसने पूछा है नोट फॉलोविंग इज नॉट द नॉट ट्रू तो ट्रू इसमें देखेंगे तो थर्ड नहीं है हमारा डन बच्चो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया ऑफ द द डज नॉट अप्लाई टू सोल्जर सोल्जर्स में कौन सा अप्लाई नहीं होता करेजियस हंड्रेड परसेंट बच्चों लिखा हुआ है डिसिप्लिन लिखा हुआ है पेट्रोटिक है लिखा हुआ है इम्प्रैक्टिकल बताओ इनमें से कौन सा नहीं आएगा वो कहता है डज नॉट सूट टू देम इन पे अप्लाई नहीं होता है हंड्रेड परसेंट बच्चों जी बच्चों बिल्कुल ठीक है ऑल राइट एवरी वन तो बिल्कुल सही है बच्चों इम्प्रैक्टिकल बनेगा वो इम्प्रैक्टिकल नहीं है बाकी सब कुछ है अब लेकिन क्वेश्चन नंबर फोर हम नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द वैली ऑफ डेथ तो बच्चों बताओ वैली ऑफ डेथ में आपने क्या यूज किया है क्या ये मेटाफर है सिमली है सिनेकडकी है या बच्चों मेटर्निमी है वैली ऑफ डेथ हां जी फोर का आंसर सब बच्चों को बताना है सब बच्चे बताएंगे ऑल राइट वन आप कह रहे हैं फोर का वन मिटाफर ओके ओके ठीक है डी मेटर्निमी बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए वैल्यू ऑफ डेथ एक्चुअली वैल्यू ऑफ डेथ वो वास्तव में है नहीं लेकिन इसको वैल्यू ऑफ डेथ दिखाया गया है तो ये मेटाफर है अदर नेम अगर हम देखें तो इसको उसकी उपमा दी गई है तो आंसर आपका ए बनेगा इट्स क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे आप लोग विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन है बच्चों टू डू एंड डाई बताओ आप लोग डू एंड डाई में क्या बनेगा एजोनेस एलिट्रेशन सिमली या फिर बच्चों परसोनिफिकेशन ओके फाइव का फोर भी बता रहे हैं बच्चे बी भी, भी बता रहे हैं अच्छा देखो फोर कैसे बन जाएगा परसोनिफिकेशन टू डू एंड डाई इसमें हम लिविंग को नॉन लिविंग या नॉन लिविंग को लिविंग थोड़ी बना रहे हैं लेकिन बच्चों देखो यहां पे है डू एंड ड और डाई तो डी 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 अगर हम देखें तो क्या हो रहा है बच्चों यहां पे सेकंड बनेगा आपका एलिट्रेशन यानी कि रेपिटेशन ऑफ द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स और अगर ये वोवेल्स की होती तो हम इसे क्या नाम देते एजोनेंस क्लियर है सब बच्चों को तो फाइव का आंसर हमारा टू बनेगा अब देखो बच्चों क्या कहता है वो सिक्स नंबर पे इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट के पहले स्टेंजा में सोल्जर्स क्या कर रहे हैं सोल्जर्स कैसे हैं टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट देयर पर्सनल प्रॉब्लम वेटिंग फॉर देयर कमांडर्स ऑर्डर थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ द वॉर या फिर सीन राइडिंग फास्ट टू द एनिमी टेरिटरी बताइए बच्चों जरा चेक कर लो आप लोग इसको देखो क्या लिखा है यहां पे यहां पे लिखा है फॉरवर्ड लाइट ब्रिग्रेड चार्ज फॉर द गन्स ही सेड इनटू द गली ऑफ डेथ रोड दिक्स हंड्रेड फॉरवर्ड है ना तो इसका मींस क्या बना बच्चों हंड्रेड परसेंट हमारा डी बनेगा यानी कि दे आर दे आर सीन राइडिंग फास्ट टू द एनिमीज टेरिटरी टेरिटरी की तरफ बढ़ रहे हैं और वही टेरिटरी क्या है बच्चों लि, उनके लिए वैल्यू ऑफ डेथ क्लियर हुआ सब बच्चों को तो ऐसे करके आप इनके आंसर निकाल सकते हैं दिस इज द बेस्ट वे टू आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी पोएम्स और आपके जो भी प्रोज वाले आए उनको आपको ध्यान में रखना है अब बच्चों क्वेश्चंस बनते हैं हमारे बेस्ड ऑन पेडेगॉजी अब देखो क्वेश्चन नंबर सेवन आपका कितना अच्छा क्वेश्चन है क्या कहता है इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट भाई मल्टीलिंगुअल क्लासरूम का मीन्स क्या है वहां पर एक से ज्यादा लैंग्वेज वाले बच्चे हैं तो वे कैसे इंटरेक्ट कर कर सकते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी अ मिक्स ऑफ वर्ड्स ओनली इन द लैंग्वेज प्रेस्क्राइब या फिर इन द लैंग्वेज विद विच द टीचर इज फैमिलियर भाई टीचर इज फैमिली ये तो कोई बात नहीं बनी लैंग्वेज प्रेस्क्राइब्ड ऐसा नहीं कि जरूरी है, वो थ्री लैंग्वेज फॉर्मुला के थ्रू बात करेंगे या फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में वो किस में बात करेंगे द लैंग्वेज दे नो तो इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी अ मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम तो बच्चों बी आंसर आपका बनेगा तो आंसर वुड बी सेकेंड एग्जैक्टली बहुत अच्छे एवरी वन गोइंग ऑन ग्रेट सब बच्चे बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं तो हमारा आंसर बच्चों यहां पे बनेगा सेकेंड क्लियर टू एवरी वन क्वेश्चन नंबर एट नंबर को एट को देखेंगे आप डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू तो अगर बच्चों में डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात काहे के लिए एडमिनिस्टर होते हैं फाइंड आउट द ऑफ द डेफिशिय विद्यू प्लानिंग फॉर रेमिडीज या फिर असेस द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट या टेस्ट द लैंग्वेज प्रोफिसियंस या फिर जज द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज क्या कहेंगे आप इसमें <coughs> अच्छा इसी का असेसमेंट ऑफ एज लर्निंग को डिस्कस करके ठीक है ठीक है चलो बिल्कुल बच्चों ये आंसर ए बनेगा आपका फाइंड आउट डिफिशियंसिज ऑफ द स्टूडेंट विद्यू टू प्लानिंग रेमेडीज और यही तो क्या होता तो है ये जो डायग्नोस्टिक यही आपका एफ है बच्चों फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना इसको हम दूसरे शब्दों में अब देखो एक बच्चे ने पूछा है कि अगर मैं बच्चों एफए की बात करूं अगर हम एफए की बात करें और हम एसए की बात करें तो बेसिकली आप देखो जब आप लर्निंग कर रहे हैं जब आप लर्निंग कर रहे हैं इस प्रोसेस में हम कहेंगे एफए क्या होता है असेसमेंट एज लर्निंग असेसमेंट इन लर्निंग हरी बात समझ में लेकिन जब आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है तो आप कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो ऑफ लर्निंग बेसिकली आपकी एस है बाकी सारे आपके एफ में आएंगे ये क्वेश्चन भी आपका बन चुका है बिल्कुल सही है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है अब बच्चों देखो नाइन नंबर कहता है स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इंपोर्टेंस टू तो आप मुझे खुद बताओ स्ट्रक्चरल अप्रोच किसको दी? Reading को इंपोर्टेंस दिए स्पीच एंड रीडिंग को रीडिंग ओनली स्पीच ओनली या फिर बच्चों रीडिंग एंड राइटिंग देखो मैं आपको सीधे सीधे बताऊं स्ट्रक्चरल अप्रोच का मीन्स होता है कि ऐसी अप्रोच विच फोकसेस ऑन द कॉम्पिटेंस ऑफ द लैंग्वेज लैंग्वेज के कॉम्पिटेंस पे डिपेंड करती है और मोर इंपोर्टेंस देती है ओके बिल्कुल सही है बात बच्चों ये रीडिंग और राइटिंग दोनों पे फोकस करती है समझ में आ रही है बात आपको यानी अगर मैं कह दू एल आर डब्ल्यू तो इसमें से लिसनिंग स्पीकिंग को छोड़ दो क्योंकि कैसी है दोनों ओरल है स्ट्रक्चर का मीन्स है बच्चों रीडिंग और राइटिंग से करेक्ट बात है कि नहीं जैसे आपका जो लाइक like हम देखें मेथड होता है ग्रामर ट्रांसलेशन वो कहां से स्टार्ट होता है रीडिंग राइटिंग से तो इन पर फोकस ही नहीं करता तो ये रीडिंग राइटिंग पे फोकस करेगी तो आंसर आपका फोर बनेगा अब आप आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर टेन पे टेन कहता है विच अमंग फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज तो सीधी सी बात है मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज के अंडर में नहीं आता है वो ये कह रहा है तो देखो इंट्रैक्टिंग विद द टेक्स्ट टेक्स्ट के साथ इंटरेक्ट करना यूजिंग प्रीवियस नॉलेज रीडिंग द टेक्सट एंड देन नरेटिंग द सेम टू दियर्स या फिर बच्चों रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट अगर बच्चों में कहूं आपसे मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज यानी रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड अलाउड उसे पढ़ना और फिर ट्रांसलेट करना मुझे बताओ क्या ये मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी है बिल्कुल नहीं रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नेरिटिंग द सेम टू द दियर्स यूजिंग प्रीवियस नॉलेज इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट बताइए बच्चों आंसर आपका डी ही बनेगा क्योंकि यहां पे रीड कर रहे हैं जोरों से और फिर उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं इसमें मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी कुछ बनी ही नहीं है तो आंसर आपका डी बनेगा अब सब बच्चे देखेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन कॉम्प्रीहेंशन ज द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द परपज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट तो बताएंगे सब बच्चे इसका आंसर क्या बनेगा मतलब कौन सा कॉम्प्रीएंशन ऐसा है स्किल ऑफ रीडिंग के पीस टेक्स्ट का क्लोजली और इंटेंसली उसको क्या करता है उसको बच्चों एक्सट्रैक्ट करता है जी सो so, इलेवन का सब बच्चे बताएंगे हमारा आंसर क्या बनेगा ओके okay, ओके okay. कुछ बच्चों ने इलेवन का बी और सी ऑल राइट ऑल राइट बच्चों ध्यान से देखो क्या कह रहा है अगर मैं यहां पे लगाऊं ग्लोबल कॉम्प्रीहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या बच्चों लोकल लोकल कॉम आप मुझे बताओ ग्लोबल कॉम्प्रीहन लोकल कॉमेंशन और ट्रांसजेक्शनल क्या ये कभी कॉम्प्रीहेंशन देखे आपने नहीं लेकिन बच्चों इन्फ्लुशियल होता है इन्फ्लुएस का मीन्स है जो हमारे सामने बेस्ड फैक्ट्स हैं फाइल्स हैं फिगर्स हैं उनके थ्रू अंदाजा लगाना तो आपको देखो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढनी तो क्या इन्फ्लुएंशियल बनेगा सीधी सी बात है तो आंसर इलेवन का क्या बन गया आपका ए अगर हम इन्फ्लेंशियल कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे तो बच्चों वहां पे स्किल रीडिंग की ऐसी लगती है जो एक टेक्स्ट को पढ़ के उससे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कराती है और यही उसका पर्पज होता है तो आपका आंसर क्या बन गया इन्फियल इन्फ्लूल का मीन्स होता है इंफ्लेंस करना और इन्फ्लुस क्या होता है मीनिंग निकालना कुछ बेस्ड फैक्ट्स एटसेट्रा पे बेस्ड होके अगली बात को बताना एंटिसिपेशन करना ठीक है जी तो इलेवन का आंसर आपका वन uh, बन गया सॉरी क्या बन गया है हाँ, नंबर को देखेंगे सब बच्चे इट्स अ टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द टीचर प्रोवाइड टीचर सिचुएशन देता है एंड हेल्प क्लास टू प्रिपेयर इट द टीचर कॉन्टीन्यूअसली प्रोवाइड फीडबैक डायरेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज टू द लर्नर बताओ बच्चे कैसी है कंट्रोल्ड है गाइडेड है फ्री है या फिर प्रोडक्ट <coughs> अगर आप ध्यान से देखो कंट्रोल्ड राइटिंग होती है कि हम पूरी तरह से कंट्रोल बना दें मतलब आपको चार में से एक स्पेसिफिक वर्ड भरना है बस यही होगा जैसे क्लॉज टेस्ट में आप करते हैं फ्री राइटिंग का मतलब होता है आपको ग्रामर से लेके और स्पेलिंग से लेके किसी का भी ध्यान नहीं रखना है आप फ्री राइटिंग करते हैं यानी फ्री राइटिंग का मीन्स है बच्चों राइटिंग विदाउट विदाउट स्पेलिंग्स एंड ग्रामर रूल्स प्रोडक्ट राइटिंग कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं आप प्रोडक्टिव करना चाहते हैं

कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस में उनसे क्वेश्चन पूछा इन दिस प्रोसेस शी इज एनकरेजिंग स्टूडेंट फॉर वो किसके लिए एनकरेज कर रही है बच्चों टेक्स्ट <laughs> को थोरोली पढ़ना है फिर वो क्वेश्चन पूछती है उनसे जो भी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में तो ये कैसे काहे के लिए एनकरेज कर स्कीमिंग के लिए स्कैनिंग के लिए इंटेंसिव रीडिंग या फिर एक्सटेंसिव रीडिंग बिल्कुल सही बच्चों बहुत अच्छे ये इंटेंसिव रीडिंग हो गई क्योंकि बच्चे क्या करते हैं उसको थोड़ोली पढ़ते हैं और फिर एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का आंसर दे पाते हैं यही आपकी क्या होती है इंटेंसिव रीडिंग वेरी नाइस क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों द टर्म कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है तो बताओ ये किससे एसोसिएटेड है से क्रेशन से चॉम्स्की से या बच्चों जेम्स एशर से बताइए आप लोग फोर्टीन का आंसर हमारा क्या बनेगा बिल्कुल बच्चों ये हमारे स्टीफन क्रेशन हैं तो ये टर्म इन्होंने स्टीफन क्रेशन ने दी थी इसको बस ऐसे ही याद कर लेना आप लोग वेरी नाइस अच्छा चांद स्कैनिंग आपने पूछा है कि स्कैनिंग इसमें क्यों नहीं होगा एक्चुअली बड़ी बात है वो रीडिंग की बात कर रहा है बेटा इंटेंसिव रीडिंग का मींस क्या होता है कि मतलब थोरोली आप पढ़ेंगे फिर उस पे के आंसर दे। खाली क्या होती है एक को लेकिन विच वन ऑफ द फॉलोविंग नोट सब स्किल क्या कह रहा है नोट नहीं है सब स्किल किसकी रीडिंग की तो बताओ बच्चों रीडिंग की सब स्किल कौन सी नहीं बनेगी लैंग्वेज इमर्शन उमेश ठीक है सभी बताते हैं आपको अगर बच्चों हम देखे सब स्किल ऑफ रीडिंग तो कनेक्टिंग कनेक्ट connect करते हैं प्रेडिक्ट करते हैं सिंथेसाइज करते हैं लेकिन बच्चों इसको देखो, तो अब मुझे बताओ, किसका होता है प्रोफेशनली ट्रांसक्रिप्शन बनाती ट्रांसक्रिप्ट होते हैं मतलब वो जो ट्रांसक्रिप्शन को सीखते हैं तो यह कहीं भी एक सब स्किल रीडिंग की नहीं है राइट और नॉट तो आंसर आपका फोर बनेगा बिल्कुल सही है बच्चों अच्छा इमर्शन मेथड की बात बता देते हैं कल भी मैंने बताया था सब बच्चों को इमर्शन <coughs> देखो इमर्शन मेथड ये होता है कि किसी लर्नर की अगर हम सारी एक्टिविटीज वो अगर गेम खेलता है तो इंग्लिश में पढ़ता है तो इंग्लिश में कॉमिक्स तो इंग्लिश में न्यूज इंग्लिश में मूवीज देखता है इंग्लिश में उसकी किताबें बुक्स एक्सेट्रा लैंग्वेज चारों तरफ बोलने वाले सारी चीजें हमने क्या कर दी इंग्लिश में या उस टारगेट लैंग्वेज में इसको इमर्शन मेथड कहते हैं इमर्शन का मीनस डूबना और इसी को बच्चों हम नाम देते लैंग्वेज बात इसे हम क्या कहते हैं लैंग्वेज बात करेक्ट एवरी अच्छा ट्रांसक्रिप्ट एक्सप्लेन दीपाली दीपाली ट्रांसक्रिप्शन अगर मैं आपको बताऊं तो हम लैंग्वेज को ट्रांसक्रिप्ट करते हैं कैसे हम इसको बताएंगे हाँ बच्चों बताओ ट्रांसक्रिप्ट क्या होते हैं ट्रांसक्रिप्शन कैसे किया जाता है देखो यही है मतलब पैसेज को लाइन को कनेक्ट करना प्रेडिक्ट करना कि आगे क्या आएगा सिंथेसाइज करना उनको जोड़ना वो ट्रांसक्रिप्ट होता है बेसिकली नहीं राइटिंग तो है बिल्कुल सही है ट्रांसक्रिप्शन आपने देखा नहीं कि मतलब हम सिंबल्स को लेके अच्छा प्रिंटेड टेक्स्ट बेटा प्रिंटेड टेक्स्ट का मीन्स है जो हम टेक्स्ट या लाइन या फिर पैसेज प्रिंट करते हैं मतलब लिखी हुई जो लाइन होती है प्रिंट की गई ऐसे समझ लो बच्चों जैसे हम किसी एक लिपि से दूसरी लिपि में लिखते हैं उसको आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं ऐसे समझ लो तो ये ट्रांसक्रिप्शन स्किल नहीं है रीडिंग की ये आपको ध्यान रखना है एक लिपि से दूसरी लिपि में बदलना राइटिंग एंड रीडिंग की सब स्किल्स देखो ये सारी की सारी तो बेटा आपकी रीडिंग की है ये किसकी सब स्किल्स हैं रीडिंग की अगर आप राइटिंग की कहेंगे तो ध्यान से देखो राइटिंग में आप क्या करते हो आप चीजों को एडिट करते हो आप चीजों को बच्चों ऑर्गेनाइज करते हो तो देखो ऑर्गेनाइजिंग एडिटिंग और क्या बनाएंगे इसमें सिक्वेंसिंग सिक्वेंसिंग भी बनेगा एडिटिंग ऑर्गेनाइजिंग सिक्वेंसिंग <coughs> और भी इसमें कई सारे हो सकते हैं कोहरेंस अगर मैं कोहरेंस की बात करूं तो ये भी बच्चों एक सब स्किल है किसकी राइटिंग की डिक्टेशन अगर मैं डिक्टेशन कह दू ये भी इसमें आएगी बोलो सब बच्चों को समझ में आ रहा है डिक्टेशन कॉयर सिक्वेंसिंग एडिट ऑर्गेनाइजिंग और अगर मैं कह दू बच्चों आपको ऑर्थोग्राफी ये भी इसकी सब स्किल बनेगी ऑर्थोग्राफी कमीं है ऑफ स्पेलिंग पंक्चुएशन पंक्चुएशन भी आ जाएंगे इसमें अगर हम हां अगर हम कहें बिल्कुल सही है मीनाक्षी स्कैनिंग स्कीमिंग प्रेडिक्शन रीडिंग ये सारे के सारे यानी इसमें दो और जोड़ दो आप स्कैनिंग भी आ जाएगा इसमें और बच्चों इसमें स्कीमिंग भी आ जाएगा ये सारे रीडिंग के बनते हैं तो ये सब स्किल रीडिंग की है क्लियर है अब सब बच्चों को बहुत अच्छे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सिक्सटीन नंबर कहता है आइकोनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग तो बताओ आइकोनिक मोड में बच्चों आप क्या क्या यूज करते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज सिंबल्स या फिर इमेजेस एंड डायग्राम्स हां डिक्टेशन ड्राफ्ट एडिट ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग भी है बिल्कुल सही है इसमें राइटिंग वाले में बच्चों आपका ड्राफ्टिंग भी है क्योंकि आप ड्राफ्ट भी करते हैं एग्जैक्टली exactly, बच्चों ये डी बनेगा इमेजेस एंड डायग्राम्स तो इमेजेस एंड डायग्राम्स वुड बी देयर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन वाइल रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन वी अंडरस्टैंड दैट सम पेयर्स आर एग्जांपल्स ऑफ होमोग्राफ तो आपको इसमें से होमोग्राफ को ढूंढना है बताओ बच्चों कौन सा बनेगा मेल मेल वाम टेपिड लीड लेड या फिर लेड 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 डेड बताओ आप इसमें जो होमोग्राफ किसको कहेंगे हंड्रेड परसेंट बच्चों थर्ड बनेगा स्पेलिंग सेम है दोनों की लेकिन मीनिंग भी डिफरेंट और प्रोनाउंसिएशन भी इसको हम कहते हैं लेड और बच्चों इसको हम कहते हैं लीड गेटिंग एवरी वन वेरी नाइस बच्चों बहुत अच्छे अब देखो बच्चों ये बड़ा अच्छा वर्ड है साइट वर्ड हम किसे कहते हैं वट इज कोल्ड द साइट वर्ड बताइए साइट वर्ड इज अकेबुलरी आइटम कैसा है दैट हेल्प इन जजिंग द इफेक्टिव ऑफ द ऑथर स्टाइल दैट नीड्स प्रोपर विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स या बच्चो देट इज टू बी लर्न बाई हार्ड या दैट द रीडर रिकोगनाइजेज एंड फाइंड मीनिंगफुल ऑन साइट विदाउट अ कॉम्प्लीकेटेड एनालिसिस अट्ठारह का ज्यादातर बच्चे डी बता रहे हैं ओके ओके ऑल राइट ऑल राइट तो ज्यादातर बच्चों ने डी बताया बच्चों ध्यान से देखो साइट वर्ड बेसिकली क्या होता है आपने देखा है ना कोई टेक्स्ट होता है आपका कोई टेक्स्ट होता है इस टेक्स्ट में कोई ना कोई वर्ड हंड्रेड परसेंट या कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके माइंड को कैच करते हैं यानी दैट द रीडर रिकोग्नाइजेज एंड फाइंड्स मीनिंगफुल ऑन साइट विदाउट अ कॉम्प्लिकेटेड वो आपका क्या बन जाता है साइट वर्ड बन जाता है गेटिंग एवरी वन तो इसको बच्चों हम साइट वर्ड कहेंगे अगला वर्ड देखेंगे नाइनटीन नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल तो बच्चों आपको पता है एक आपका होता है प्राइमरी लेवल एक होता है अपर प्राइमरी लेवल और बच्चों एक होता है आपका हाइयर लेवल तो देखो यहां की बात कह रहा है इस पे कौन सा बेस्ट होगा टीचिंग मेथड ट्रांसलेशन डिडक्टिव टेक्स्ट बुक या बच्चों इंडक्टिव खुद बताएं आप लोग हंड्रेड परसेंट ये बच्चों इंडक्टिव मेथड बनेगा देखो मैं आपको बता दूं इंडक्टिव मेथड में होता कैसे है सबसे पहले टीचर आपको एग्जाम्पल देता है उसके बाद में बच्चों वो आपको रूल्स बताता है और उसके बाद में आपको एक्सरसाइज देता है करेक्ट एवरीवन तो फॉर्मुला बन गया इंडक्टिव का अगर आप डिडक्टिव का देखेंगे तो बच्चों बस रूल को पहले ले आओ और एग्जाम्पल को बाद में ये आपका डिडक्टिव हो जाएगा right, तो आंसर हमारा बनेगा अब देखो बच्चों भी कहते हैं फ्लावर एंड हेज रिगार्डेड वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल मतलब प्रॉब्लम क्रिएट भी करती है सॉल्व भी करती है तो कौन सी स्किल ऐसी है अकॉर्डिंग टू फ्लावर एंड वेज राइटिंग है लिसनिंग है स्पीकिंग है या बच्चों रीडिंग है फाइंड आउट हां जी बिल्कुल ठीक है ओके ओके फ्लावर एंड हेज के अकॉर्डिंग कौन सी है बच्चों अगर आप इसको देखेंगे तो वो सिर्फ राइटिंग की बात करते हैं राइटिंग इज द स्किल दैट इज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग आल्सो। तो आंसर बच्चों आपका वन बनेगा ठीक है जी बच्चों तो आंसर आपका राइटिंग है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन को देखेंगे अभी किसी बच्चे ने राइम की बात की अभी आपको बताएंगे कि राइम क्या है देखो बच्चों फाइंड आउट द फंक्शन फंक्शन वर्ड वो फंक्शन वर्ड की बात कर रहे हैं पे तो बताओ फंक्शन वर्ड क्या होते हैं सीजिंग एंड चैंपियन या फिर हैंडसम जी बिल्कुल सही बात है ओके ट्वेंटी वन का कुछ बच्चे बी बता रहे हैं कुछ बच्चे ए बता रहे हैं एंड एटसेट्रा ओके ओके बताते जाओ बच्चों देखो अगर हम इसका आंसर देखेंगे ठीक है ठीक है बच्चों ऐसे वर्ड्स ध्यान से देखो ऐसे वर्ड जो फंक्शन करें सेंटेंस में फंक्शन करने का मतलब है उनको जोड़ें उनको जोड़ने का काम करें एडिशन करें उनका सब्सक्रेक्शन करें या फिर ऐसी कंडीशन बनाएं जिससे में फंक्शन दिखाई दे वो सारे फंक्शनल वर्ड कहलाते हैं तो यहां पे अगर आप फंक्शन वर्ड देखेंगे तो किसका आंसर बनेगा सेकंड एंड क्योंकि एंड इज वर्किंग एज अ कंजंक्शन ये कंजंक्शन का वर्क कर रहा है तो हम बच्चों यहां पे एंड को रखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू को देखो कहते हैं वो यू मीन बाई रिव्यू हमारा रिव्यू का मीन्स क्या बनता है असेसमेंट गेस इवेल्यूएशन या बच्चों क्रिटिकल इवेल्यूएशन अगर आप रिव्यू करते हैं किसी चीज को तो बताओ आप क्या करते हैं उसका <coughs> कहते हैं ना इसका रिव्यू ले लो आपके क्या रिव्यू है इसके बारे में यानी कि आपने क्या इवेल्युएट किया है तो बच्चों ये आपका इवेल्युएशन होता है यही तो रिव्यू कहलाता है वट इज योर रिव्यू अबाउट दिस रिव्यू वही बात बन गई तो आंसर आपका बनेगा इवेल्युएशन अब देखो बच्चों कंटेंट वर्ड को भी उसने पूछा है आपसे कि कंटेंट वर्ड आर कोल्ड उनको क्या कहा जाता है अभी आपने फंक्शन वर्ड देखे थे तो कंटेंट वर्ड और फंक्शन वर्ड एक जैसे होते हैं तो बच्चे क्या है फंक्टर्स इनको फंक्टर्स भी कहा जाता है <coughs> तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का आंसर आपका क्या बनेगा टू फंक्टर्स कंटेंट वर्ड्स आर फंक्टर्स बच्चों बिल्कुल सही बात है अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पे आते हैं क्लोज मींस। वो कहते हैं क्लोज का मतलब क्या है बच्चों अगर मैं इसको क्लोज को देखूं तो ये जेड होना या फिर एस होना एक ही बात है तो उसका मींस होता है नियर पास अगर मीनिंग में देखेंगे तो भी नियर होगा इसी को हम क्लोज कहते हैं तो आंसर क्या बनेगा आपका फोर <coughs> तो क्लोज बच्चों हमारा क्लॉज ही बनेगा और इसका मीन्स होगा नजदीक में या पास में डन बच्चों। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव देखेंगे कहता है लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग बताओ क्या बनेगी एडवांस राइटिंग कंट्रोल्ड राइटिंग गाइडेड राइटिंग या बच्चों फ्री राइटिंग क्वेश्चन नंबर तेईस आप कह रहे हैं ओके तेईस में कंटेंट वर्ड देखते हैं से इसमें क्या गलती हुई हाँ जी बच्चों लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग क्या बनेगी आपकी देखो बड़े ध्यान से देखो आप लोग यहां पे अच्छा प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है कि देर इज प्रॉब्लम बट इसको कर लेते हैं कोई बात नहीं बफरिंग की कंडीशन बन रही है हाँ तो बच्चों ध्यान से मुझे बताओ देखो सबसे पहले आप क्या करते हो आप बच्चों गाइडेड करते हो टीचर आपको पूरी तरह से गाइड करता है है ना नंबर पे आप करते हो कंट्रोल्ड राइटिंग करते हो कंट्रोल का मतलब राइटिंग होती है जब आप लिखते हैं। लेकिन बच्चों जब इसका हाई लेवल हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं एडवांस राइटिंग तो अगर लास्ट स्टेज ऑपराइट एडवांस राइटिंग का मीन्स क्या है अब आप अपनी तरफ से उसमें कई सारी चीजें डेवलप कर लेते हो क्रिएट कर लेते हो और उनके थ्रू लिखते हो तो आंसर आपका वन बनेगा लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज एडवांस्ड राइटिंग गेटिंग बच्चों तो ट्वेंटी फाइव का आंसर आपका क्या बनेगा यहां पे ट्वेंटी थ्री का डी ओके okay. चलो उसको चेक कर लेना कोई बात नहीं आप लोग अगर हम बच्चों आंसर बताएं आपको तो इसका बनेगा आंसर ए वन बनेगा एडवांस राइटिंग एक्चुअली मैं समझता हूं बेसिकली क्या है ध्यान से देखो आप लोग हां अर्ली चाइल्डहुड में देखिए तो बिल्कुल दीक्षा वो फ्री राइटिंग बनती है बच्चा बिना किसी ग्रामर और रूल्स एक्सेट्रा के उसको लिखता है यही आपकी फ्री राइटिंग बन जाएगी जैसे आजकल आप व्हाट्सएप पे लिखते हो तो इनमें किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखते लेक्सिकल वर्ड बेसिकली शमीम वो होता है जो पूरे सेंटेंस के मीनिंग को कैरी करता है और उसके बिना सेंटेंस अधूरा रहता है ऐसे समझ लो आप देखो बच्चों जो आप आंसर दे रहे हैं ना कुछ मैं आपको बताता हूं कि कुछ जगहों पे गलत भी हैं 22 एंड 24 एक बार फिर से देखते हैं बच्चों 22 देखो रिव्यू का मींस बच्चों इवेल्युएशन से होता है ना कि क्रिटिकल इवेल्युएशन से रिव्यू ए, रिव्यू को हम इवेल्युएशन कहेंगे कहेंगे बच्चों से क्रिटिकल नहीं ट्वेंटी फोर क्लोज का मीन क्लोज से ही होता है मिसिंग पार्ट से कैसे होगा बताओ आप मुझे वाई डू वी मीन बाई मिसिंग पार्ट अच्छा क्लोज टेस्ट आप कह रहे हैं आई थिंक सो नहीं बच्चों नहीं 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 ये क्लोज का मीन्स बनेगा फोर नंबर होगा देखो मिसिंग पार्ट आप इस तरह से कह रहे हैं हम जब क्लोज टेस्ट करते हैं तो पूरी लाइन में जैसे यहां पे एक जगह छूट गई इसके चार ऑप्शन आपको दे दिए हैं ए बी सी डी में से आपको फिलअप करना पड़ता है लेकिन फिलअप कौन सा करते हैं जो बिल्कुल क्लोज होता है उस वर्ड के एक ही होगा उनमें से बाकी तीन नहीं होंगे तो इसलिए क्लोज मीनिंग को हम देखते हैं ये सारे ही क्लोज मीनिंग वाले होते हैं अगर दीक्षा हम क्रिटिकल इवेल्यूशन देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे ही ध्यान देता है डन बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ जाओ ट्वेंटी <coughs> सिक्स ट्वेंटी सिक्स कहता है अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन राइटिंग तो राइटिंग में प्रॉब्लम है बच्चों को शी मे है उसको क्या हो सकता है बताइए आप लोग उसको बच्चों क्या हो सकता है डिसलेक्शिया है ओके okay. बच्चों अगर आप इसको देखोगे तो आंसर आपका बनेगा डिसलेक्सिया और सॉरी डिसलेक्सिया गलत कह रहे हैं हम डिस क्योंकि ग्राफ का मींस क्या होता है लिखने से ये राइटिंग से होता है और अगर मैं लेक्स कह दू डिसलेक्सिया बच्चों ये किसका होता है आपका रीडिंग का डिसलेक्सिया रीडिंग है डिसग्राफिया आपका राइटिंग है. है ना राइटिंग का बनेगा डिसिया आपका मैथ वाला बनेगा कैलकुलेशन से रिलेटेड और अगर मैं डिस्फेजिया कहूं तो बताओ बच्चों डिस्फेजिया क्या है इज डिस्फेजिया बच्चों ध्यान से देखो डिस्फेजिया क्या है देखते हैं कौन आंसर देता है आपका बिल्कुल सही है ये आंसर आपका टू बन जाएगा डिस्ग्राफ डिस्ग्राफिया होगा लेकिन डिस्फेजिया किसको हम कहते हैं <coughs> लैंग्वेज डिसऑर्डर है बिल्कुल सही बात है है ना ये आपका बच्चों लैंग्वेज डिसऑर्डर है क्लियर टू एवरीवन इसमें एल एस आरडब्ल्यू सारे ही होंगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों ट्वेंटी सेवन पे इट स्पेसिफाइज द रूल्स विच गवर्न द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स काेहे काहे में बच्चों वर्ड्स का अरेंजमेंट फ्रेजेस में क्लॉसेस में और सेंटेंसेस में तो इसे में क्या कहेंगे डिस्कोर्स कहेंगे सिमेंटिक्स कहेंगे बच्चों सिंटेक्स कहेंगे या फिर क्वेश्चन कहेंगे क्या बनेगा हमारा आंसर? जी वेरी नाइस nice. बहुत अच्छे बिल्कुल बच्चों हंड्रेड परसेंट सिंटेक्स बनेगा है ना जबकि डिस्कोर्स अगर मैं कहूं तो ये खाली कॉन्वर्सेशन है बच्चों डिस्कोर्स आपका कॉन्वर्सेशन होता है सिमेंटिक्स आपका मीनिंग ऑफ द वर्ड से होता है मीनिंग कहां से निकलेगा उसको जानने के लिए सिंटेक्स आप समझ गए एस प्लस वी प्लस ओ और क्वेश्चन का मीन होता है बच्चों वर्ड्स को जोड़ने से जैसे क्वेश्चन होता है ना एक वर्ड से एक दूसरे वर्ड को आपने जोड़ दिया जो कंपाउंडिंग टाइप होते हैं वो क्वेश्चन कहलाते हैं जी बच्चों अब आप आते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पे अ टीचर ऑफ क्लास सिक्स अ टीचर ऑफ क्लास सिक्स हैज लेबल्ड द क्लास रूम ऑब्जेक्ट सच एज क्या क्या है बच्चों ब्लैक बोर्ड है डोर है विंडो है फैन है टेबल है चेयर है इन डिफरेंट लैंग्वेजेस है ना मतलब उन्होंने सबके नाम कैसे रख दिए के डिफरेंट लैंग्वेजेस में हिंदी में इंग्लिश में उर्दू में संस्कृत में तो यहां पे जो क्लासरूम है एज अ होल बुक कैसा है इज लर्निंग थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज क्रिएटिंग अ लैंग्वेज कंफ्यूजन क्या कंफ्यूजन करने के लिए किया है या फोकसिंग ऑन थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला लेकिन बच्चों लैंग्वेज तो यहां पे हमारी चार हो गई हिंदी भी है इंग्लिश भी है उर्दू भी है संस्कृत और आगे भी है अब बताओ क्या फिर इज रिच सोर्स ऑफ प्रोमोटिंग मल्टीलिंग बताइए आप लोग हंड्रेड परसेंट डी बनेगा बहुत अच्छे बच्चों तो सीधी सी बात है वो थ्री लैंग्वेज से आगे जा रहा है और इसको मल्टीलिंगिज्म में बदल रहा है ट्वेंटी नाइन देखो बच्चों द असेसमेंट प्रोसेस नॉट ओनली असेस स्टूडेंट्स लर्निंग वो स्टूडेंट की लर्निंग को खाली असेस नहीं करता बट ऑल्सो असेस टीचर्स टीचिंग प्रोसेस तो बच्चों बताओ इस स्टेटमेंट को कैसे हम फुल्ली रॉन्ग कहेंगे नहीं बच्चों फुल्ली रॉन्ग नहीं कह सकते फुल्ली राइट right कहेंगे पार्शियली राइट right कहेंगे या बेसलेस कहेंगे आंसर बताइए ट्वेंटी नाइन का असेसमेंट प्रोसेस नॉट ओनली एस 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 स्टूडेंट्स लर्निंग बट ऑल्सो एस एस ए टीचर्स टीचिंग प्रोसेस ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट मैं समझ पा रहा हूं देखो बच्चों अगर हम इस पे ध्यान से देखें तो ये फुल्ली राइट पे जाएगा कारण उसका देखो क्या है सबसे बड़ा कारण क्या है रोंग और बेसलेस नहीं कह सकते अगर एक बच्चा समझ नहीं पा रहा है अगर एक बच्चे को समझ नहीं पा रहा है उसको रिमेडियल टीचिंग की जरूरत पड़ रही है रीटीचिंग की जरूरत पड़ रही है तो इसमें सबसे बड़ी फॉल्ट कहां पर आती है टीचिंग के टीचिंग प्रोसेस में तो असेसमेंट उसको भी होता है भाई दोबारा बच्चे को पढ़ाने की जरूरत टीचर को क्यों पड़ी जस्ट बिकॉज द टीचिंग प्रोसेस इज नॉट अपू मार्क तो आंसर आपका फुल्ली राइट right बनेगा नहीं किसना भी नहीं आया अब देखो बच्चों क्वेश्चन थर्टी को देखेंगे आप लोग द लैंग्वेज इज लर्न फ्रॉम एनवायरमेंट विदाउट एनी एक्सप्लेसिव टीचिंग देखो एक्सप्लेसिव टीचिंग का मतलब होता है कि सीधे सीधे मतलब हम स्पष्ट तौर पर पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को कभी नहीं पढ़ाते उसमें अगर हम देखें तो एनवायरमेंट uh, वाली लैंग्वेज में कभी नहीं पढ़ाते बल्कि जब स्कूल जाता है तब पढ़ाते हैं तो बच्चों कौन सी लैंग्वेज है फर्स्ट है सेकेंड है थर्ड है या फिर स्कूल लैंग्वेज हंड्रेड परसेंट फर्स्ट बनेगा बिल्कुल सही बात है आपकी अब एक बच्चे ने हम यहां पे ले लेते हैं जरा एक बच्चे ने पूछा राइम को बता दो बच्चों देखो राइम क्या होती है अक्सर पोएम में होती है और पोएम का भी क्या होता है लास्ट वर्ड जैसे मैं आपको बता दू आपने लिखा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल <coughs> स्टार है ना बच्चों फिर आपने कहा ट्विंकल ट्विंकल वंडर व्हाट हाउ आर लास्ट वाला लिख लो अप द वर्ल्ड सो हाई आपने लिखा हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई तो बच्चों हम कैसे करते हैं हम कैसे करते हैं लास्ट वाले वर्ड को देखते हैं और देखते हैं इसकी राइम क्या बनी इसकी साउंड कैसी है तो आप देखो स्टार स्टार को हम नाम देंगे ए इसको हम नाम क्या देंगे बच्चों ए जाये स्मॉल में लिखा रहता है ए अब देखो स्टार के बाद में अगला आर हाउ आई वंडर वोट यू आर तो स्टार आर दोनों राइम कर रहे हैं कि नहीं दोनों का प्रोनाशिएशन एक दूसरे को रिदम में ला रहा है तो बच्चों इसको भी ए में रखेंगे अगर ये अलग होता तो हम बी लिखते इसको जैसे अगला देखेंगे हाई हाई तो इसके जैसा नहीं है हाई अलग बन रहा है तो इसको नाम क्या देंगे बच्चों आप बी अब देखो हाई और स्काई स्काई किससे कर रहा है हाई से तो इसको भी नाम क्या देंगे बी अगर मैं बच्चों इस पोयम की राइम स्कीम की बात करूं इसको आप क्या नाम देते हैं आर एच वाई एम राइम स्कीम एस सी एच एम ए तो बच्चों वो बनेगी ए ए बी बी करेक्ट होगी बात तो आपको ये देखना है कि इनमें ये दोनों वर्ड राइम कर रहे हैं और ये दोनों वर्ड राइम कर रहे हैं तो इनको हम राइमिंग वर्ड राइमिंग वर्ड कहेंगे क्लियर टू एवरी वन और यही आपकी राइम राइम होती है किसी भी पोएम की लास्ट वाले वर्ड से निकालते हैं आप जी अनीता अनिता इसलिए लेट हो रहा है बेटा कि बच्चे सेटिंग कर लेते हैं जैसे आज आपका रोल नंबर आ गया तो आप या कोई भी बच्चा जिसका रोल नंबर आ जाएगा अगर सात दिन पहले भेज देंगे तो वे उससे पहले जाके वहां पे जो लैपटॉप और कंप्यूटर उनके रखे हैं उसमें जाके गड़बड़ कर देंगे अपना सब कुछ भर के पहले से सेट कर देंगे इस वजह से वो नहीं दे रहे हैं जिससे पेपर आउट ना हो जाए इस वजह से वो एक दिन पहले देंगे जैसे अगले दिन आपका पेपर है तो उससे पहले दिन रात को बारह बजे आपका एडमिट कार्ड आएगा कुछ ऐसा लग रहा है इस बार और सोचो कितना खतरनाक होगा वो रात में बारह बजे आपका रोल नंबर आ रहा है और अगले दिन आप पेपर देने जाने वाले हैं है ना और सेंटर आपका दे देगा पचास साठ किलोमीटर दूर यह ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम से दो घंटे पहले आपका रोल नंबर दे है ना तब सोचो कैसा होगा जैसे आपने यूपी टेट में देखा आपको पता है, यूपी टेट की अभी गाइडलाइन आई है कि आधे घंटे पहले सेंटर का दरवाजा बंद हो जाएगा तो ऐसी ऐसी कंडीशन आ रही हैं <laughs> तो इसको भी ध्यान में रखना है इस वजह से ऐसा हो रहा है तो अभी वेट कर लो कोई बात नहीं है जब भी आएगा वो आ जाएगा आपका ठीक है बच्चों हां जी बिल्कुल सही है तो ठीक है बच्चों आज इतना वर्क करते हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी है ना क्वेश्चन तो आपके पूरे हो गए ना जी पूरे हो गए हैं तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं लगातार वर्क करते रहे सब बच्चे और मेरी बात ध्यान से सुनो डिमोटिवेट नहीं होना है किसी भी बात से मोटिवेट ही रहो लगातार है ना मोटिवेट रहो बढ़िया से वर्क करते रहो जो लगातार लगा रहेगा बच्चों बस वो ही जीतने वाला है आपको टोलटॉइज बनना है ध्यान रखना टोलटोइ कछुए वाली चाल चलनी है स्लो एंड स्टडी जिसको कहते हैं स्लो लेकिन लगातार चलने वाले ना कि खरगोश बनना है कि एक ही रात में दौड़ जाएंगे ये करते रहो और ये जो हमारी क्लास हो रही है थर्टी थर्टी क्वेश्चन शाम करते हैं ये सबसे बेस्ट तरीका है मेरी कोशिश रहती है कि हम आपको बताते चीजों को ठीक है ठीक है थैंक यू दीक्षा कोई बात नहीं बेटा डर लगता है ह्यूमन बींग के साथ में ऐसा होता है जब एग्जाम आता है या फिर कोई काम होता है तो उसे डर लगता है इससे पता चलता है कि हम नॉर्मल हैं क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बींग को डर लगता है अब जो एबनॉर्मल होते हैं उन्हें नहीं लगता डर जैसे बहुत सारे लोग पढ़ते ही नहीं है पढ़ के उन्हें टीचर नहीं बनना सिर्फ क्या करते हैं वो लोग जाते हैं एटीएम उखाड़ लाते हैं एक रात में तो उनको डर नहीं लगता है क्योंकि वे कैसे हैं एबनॉर्मल तो नॉर्मल वालों को डर लगेगा आप लोग बच्चे हैं आप एक सही रास्ते पे हैं लेकिन उस डर पे ही काबू पाके आपको एग्जाम पास करना है बस ये ध्यान रखना है बच्चों है ना <स्थ> नहीं मुस्कान बेटा भी नहीं आए हैं ठीक है बच्चों तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच बहुत सारी बातें हैं बच्चों की रहेगा तो क्या होगा नहीं दूर इतनी मिल जाएगा बेटा मैं तो ये मजाक कर रहा था आप लोगों के साथ में हाँ तीन चार दिन पहले तो आ जाएगा बिल्कुल हाँ बिल्कुल शिवा प्रीवियस ईयर करके भी ठीक है बिल्कुल बिल्कुल आप कम से कम उनको कर लो तो काफी फायदा मिलेगा जी घास बिल्कुल ठीक है ऑल राइट right, बच्चो बब बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टू ऑल और पढ़ते जरूर रहें बस यही मेरा कहना है बच्चों को